दोस्तों, क्या आप किसी आदमी को जानते हैं जो आपके स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पीठ पीछे आपकी क्रश से दोस्ती करता था, इन सारी लड़कियों का अच्छा दोस्त था, लड़की जैसा व्यवहार करता था, लेकिन पीठ पीछे आपके छुरी भोंकता था, आपके क्रश को आपके बारे में बुरी चीजें बोलता था? नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम एक खास गांडू की बात करेंगे जो सोचता है कि लड़कियों की सिर्फ चाट के ही आगे बढ़ा जा सकता है और उनको पटा सकते हैं, लेकिन आज हम उसका सत्यानाश करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं इस वीडियो के एंड पे आप ये वीडियो ऐसे एक गांडू को भेजें और अपनी क्रश को भी भेजें, और मैं बताता हूं क्यों। फेमिनिज्म वाला गांडू एक ऐसा गांडू है जो आज की सनसनी में इसलिए खरा उतरा है क्योंकि वो पूरी मर्यादा जात का मुंह काला करता है और हमारी इज्जत गिराता है। ये वही लौंडा है जो हर लड़की की पिक्चर फेसबुक पे लाइक करता है और कमेंट करता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी सुंदर हो, जबकि वो एक भैंस के फेसबुक अकाउंट पे होता है। ये वही लौंडा है जिसकी दोस्ती के बलबूते पे मोटी लड़कियां अच्छे अच्छे लड़कों को बुली करती हैं, धौंस दिखाती हैं और मजाक उड़ाती है कि तुम कितने छोटे हो या तुम कितने शाय हो। और मतलब कॉलेज और स्कूल में मैंने इतना देखा है कि ऐसी लड़कियां बुली करने लगती हैं क्योंकि उनके साथ वो जो भी बोलेंगी ना, ये साला लौंडा हंसेगा ही हंसेगा, चुतिया एक नंबर का। गाइस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारे देश को फेमिनिज्म की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं इसी गांडू के बारे में। फेमिनिस्ट आदमी से आप बच के रहिए, और ये मैं दोनों औरतें और मर्दों को बताना चाहता हूं क्यों। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि स्कूल्स में और आपके जॉब वाले एनवायरमेंट में भी जो लड़कियों का ग्रुप होता है ना, उसमें एक दो लड़के होते हैं जो उनके साथ बहुत अच्छे से गेट अलोंग करते हैं, और आप सोचते हो यार ये सारी लड़कियां इसके साथ क्यों बातें करती हैं, और लड़कियां भी इनके साथ मतलब खुशी खुशी दोस्त रहती हैं, लेकिन आपको उतना भाव नहीं मिलता। अब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूं कि आपके माइंड से ये थॉट हट जाए कि लड़की उस आदमी को डेट कर रही है, उनके साथ सेक्स कर रही है, क्योंकि वो नहीं कर रही है, वो उनको रगड़ रही है बस अपने फायदा के लिए। उनको अटेंशन मिलता है उनसे वो काफी काम भी करवाती होंगी और ये खुशी खुशी उनका काम वगैरह करता है। लेकिन महिला कम्युनिटी, आप ये प्लीज समझिए कि जो ऐसा लौंडा होता है ना, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। आप सोचते हो कि वो कितना स्वीट है, वो मेरे लिए ये भी करेगा वो भी करेगा, और मतलब वो तो सिर्फ मेरी अच्छा ही जानता है। लेकिन आपका नाम लेके ही जितनी भी उसकी बाथरूम में चिपचिपाहट गिरी हुई है, वो दिवाली का अनार आप ही के अबे हाथ मत बोल ये आपके बारे में अब मैं जो कहां तक बोला था मुझे चिपचिपाहट। तो अगर आप महिला हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके लिए इतना स्वीटली आपके साथ बिहेव करता है और आपके सारे काम कर देता है, रात में आपके साथ घंटे घंटे बात करता है और इसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही गलत फहमी में है। फहमी होता है ना, मैं तो फैमिली बोलता था पहले। ये बहुत ही गलत फहमी में है क्योंकि ये असल में आपको ठोकना चाहता है, और इसके बाथरूम में जितनी भी चिपचिपाहट लगी हुई है दीवारों पे, उसने आप ही का नाम लेके वो चिपचिपाहट निकाली है एक दिवाली के अनार जैसे। तो पहले तो मैं चाहता था कि ये मिसकंसेप्शन जो लड़कियों का है हमारे देश में, वो मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, मैं चाहता हूं अपने बंदों को समझाना कि ये मत सोचना कि अगर आप भी इसके ऐसे बिहेव करोगे तो आपको लड़कियां मिलेंगी। इस टाइप के बंदे को कभी भी लड़कियां नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर एक आदमी अपनी पूरी इज्जत गिरा देगा लड़की के लिए, ठीक है, और कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लगेगा, और उसके लिए मतलब अपनी पीठ भी पूरी मतलब ऐसे दिखा देगा कि मेरे यहाँ मतलब डाल दो जो भी डालना है, ऐसे इंसान को कभी लड़की नहीं मिल सकती, क्योंकि लड़की कभी भी ऐसे आदमी की इज्जत नहीं करेगी जो खुद की इज्जत नहीं करता है। कोई भी लड़की कभी भी ऐसे आदमी की इज्जत नहीं कर सकती जो खुद को बेच दे उस लड़की का प्यार पाने के लिए। लड़के का बोला मैंने, लड़की का प्यार पाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप कभी भी इसको देख के ये इंस्पिरेशन ना ले कि अभी मैं भी ऐसे बिहेव करता हूं, लड़कियों की चाटता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, उनका हर फेसबुक पिक्चर लाइक करता हूं और मैं उनको इससे खुश कर दूंगा और इंप्रेस कर दूंगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे लड़कियां काम नहीं करती। लेकिन सच बात यह है कि जो ऐसे लड़के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है, ये अपने सपनों में और अपनी सोच में इन लड़कियों को बहुत ही गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद से भी शर्मनाक होते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं, वो इन पर्सन और भी ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं उन लड़कियों के आसपास, और सबसे ज्यादा रेप वाली भी जो फैंटेसी होती है ना, इन्हीं लौंडों की होती है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं तीन लोगों से बात कर रहा हूं, एक जो महिला कम्युनिटी है जिनके ये सारे अच्छे अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, दूसरा जो फेमिनिस्ट वाला गांडू है जो ऐसा बिहेवियर कर रहा है, और तीसरा जो फेमिनिस्ट वाला गांडू नहीं है लेकिन ये जो लौंडे हैं वो सोच रहे हैं कि अगर वो भी ऐसे लड़कियों की चाटेंगे तो उनको लड़कियां मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, महिला कम्युनिटी को मैंने बता दिया क्या करना है। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फेमिनिस्ट वाला गांडू है, अगर आप इन गांडू में से एक हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद ये बिहेवियर आप बंद कर दें, और अगर आप उनकी चाटते हो ना, उनकी चाटने की जगह आप खुद की चाटें। पता नहीं अगर आपकी जीभ उतनी लंबी है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद की चाटें। क्यों?
क्योंकि आप खुद को अगर उतना महत्व दोगे, उतनी इंपॉर्टेंस दोगे, खुद को अपने माइंड में उतनी तारीफ दोगे, खुद के बारे में अच्छा फील करोगे, तो आप में नेचुरली कॉन्फिडेंस वगैरह ज्यादा आएगा और आपको लोगों की चाटनी नहीं पड़ेगी उनको इंप्रेस करने के लिए। ठीक है, आपको लड़कियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उनकी हर बकवास चीज की तारीफ नहीं करनी पड़ेगी जबकि आप अंदर से उसको नफरत करते हो और आप बस चाहते हो कि अभी उल्टी लेट के नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीजें ना करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, खुद को वैल्यू करें, खुद के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करें और बाकी तरीकों से अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आप लड़कियों के लिए ज्यादा बेटर बन सकते हो और आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, और ताकि आपको अपनी इज्जत नहीं डुबाने पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसे काम करते हो ना तो वो लड़कियां तो आपकी इज्जत करती ही करती नहीं है, लेकिन जो आपके दोस्त भी हैं, आपके जो बाकी मोहल्ले के लड़के हुए या स्कूल के लड़के हुए, उन सबकी आंखों में आप यहां हो। ठीक है, तो गाइस बेसिकली हमने वे प्रोटीन के गांडों के साथ स्टार्ट किया था और आज हम फेमिनिस्ट वाले गांडों की बात कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे गांडू हैं जिनकी हम सब मिलके ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अपने एक दोस्त को भेजें जिसके साथ आप मिलकर एक ऐसे फेमिनिस्ट वाले गांडू का मजाक उड़ाते हो, या अगर आपकी कोई दोस्त है जिसके साथ एक लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनता है लेकिन आपको उसके ऊपर शक है, तो अपनी उस लड़की वाले दोस्त को भेजिए और मैं चाहता हूं आप मेरे को बताइए आप कौन से टाइप के गांडू के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ आपसे सुन।